एक टाइम था इंडिया के दौरान काफी सारे लोग मिड रेंज स्मार्टफोन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, बट वही कैटेगरी आज सारी सारी फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब कि आज के टाइम पे ना लोग 30,000-40,000 के प्राइस रेंज से ऊपर के स्मार्टफोन ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट उसके साथ में आईफोन काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और भाई साहब आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, एंड बेसिकली आईफोन 15 सीरीज में क्या अपडेट आया है, वैसे तो ऑलमोस्ट आपको सब पता लग गया होगा, बट मैं ये बताने वाला हूँ क्या सच में आईफोन 2 लाख रुपए तक का हमें लेना चाहिए। तो गाइस स्वागत है आपका आज की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आईफोन 2 लाख का आ रहा है भाई साहब, लेकिन उसके अंदर फीचर्स भी वैसे हैं, बट सीरियसली 2 लाख का आईफोन और लोग उसको प्रेफर भी कर रहे हैं भाई साहब, लोग लोन पे ईएमआई पे ले रहे हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए, आधा कटा हुआ एप्पल दिखाना जो है। तो बात कर लेते हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि देखो आईफोन 15 एंड 15 प्लस ये एक 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ में आता है और एक आता है 6.7 इंच में, ऐसे ही 15 प्रो एंड प्रो प्लस प्रो मैक्स तो वो आ रहा है आपको 6.1 या 6.7 इंच की डिस्प्ले में। बट यहाँ पर अब की बार आईफोन मिनी जो आता है 15 मिनी वो कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एप्पल की तरफ से। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, ये देखो अब है ना एप्पल की सेल इतनी ज़्यादा डाउन चली गई थी, आईफोन मिनी को ज़्यादा लोग प्रेफर भी नहीं करते, उसकी सेल भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, और एक कॉम्पैक्ट साइज में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन लगता था, बट मैंने भी नहीं लिया आज तक। मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों के पास में मिनी वर्जन होगा आईफोन्स के, तो इसलिए एप्पल ने सोचा कि भैया ज़्यादा बिकता भी नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा खर्च भी कर देते, जितने मॉडल्स बनाए जाते हैं वो रह जाते हैं, बाद में उसको डिस्काउंट प्राइस में बेचना पड़ता है, इसकी वजह से एप्पल ने मे भी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ऐसे ही अगर बात की जाए यहाँ पर आईफोन 15 सीरीज़ की, तो यहाँ पर आपको सभी मॉडल्स के अंदर उसका डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा, यूएसबी टाइप सी देखने को मिलेगा, और साथ में सभी आईफोन्स के मॉडल्स के अंदर आपको कैमरा थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया है, वहां पर आपको देखने को मिला 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन जो प्रो मॉडल है ना उसके अंदर, प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसके अंदर टेलीफोटो जो लेंस दिया गया उसके अंदर 5x तक जूम देखने को मिलता है, थोड़ा सा अपग्रेड लग रहा है मेरे को। बट जो यूएसबी टाइप सी है ना सभी मॉडल्स में, जो 15 एंड 15 प्लस है उसके अंदर आपको यूएसबी 2.0 देखने को मिल रही है, क्योंकि जो प्रो मॉडल्स हैं उसके अंदर बताया गया है कि 3.0 की स्पीड देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से 2.0 की स्पीड आपको 15 एंड 15 प्लस में देखने को मिल रही होगी, इसलिए नहीं बताई गई है। एंड और सारे फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहे हैं, बट डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है यहाँ पर, सभी डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर जो 15 प्रो मॉडल्स है ना, जो प्रो एंड प्रो मैक्स, उनके अंदर आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलता है, इनके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील देखने को मिल रहा है, पहले जो सभी मॉडल्स के अंदर देखने को मिलता था। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है, थोड़े थोड़े कर्व्स कर दिए गए, थोड़े थोड़ा कर्व कर दिया गया, जिससे थोड़ा सा हैंड ग्रिप काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इन एंड फीलिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है। पहले ना तो तिकी ठीकी ठीकी थी, नुकीली नुकीली, भैया किसी को मार दो तो सीधा ब्लेड का काम करती थी, लाइक मतलब मान लो कुछ काटना हो, सेब काटना हो तो ऐसे ऐसे काट सकते थे, बट वो थोड़ा सा हटा दिया गया है। एंड यहाँ पर अगर इनकी प्राइसेस की बात कर ली जाए, उससे पहले मैं कैमराज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सभी 48 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 15 एंड 15 प्लस के अंदर, बट उसके अंदर पता है क्या हो रहा है, वो बता रहा है कि इसके अंदर टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड दे रखा है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, उसी के अंदर जूम कर रहा जा रहा है, उसको टेलीफोटो क्यों बोल रहे हो भाई, बट एप्पल भाई साहब बोलेगा तो लोग लेंगे ना, पगला गए हैं लोग 2.5 में कैलेंडर देख कर, यूएसबी टाइप सी देख करके। हाँ, इन सभी मॉडल्स में एक और चीज़ खासियत है कॉमन है, जो कि एक्शन बटन है, एक्शन बटन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस मेमो हो गया एंड मैसेजिंग वगैरह हो गया, क्विक कैमरा ऑप्शन एक्शन हो गए, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक्शन बटन से कंट्रोल करते हैं, साइलेंट रिंग एवरीथिंग, ये थोड़ा सा अपग्रेड चीज़ लगी मुझे। अपार्ट फ्रॉम डैट इसके कैमराज की बात कर लीजिए, तो कैमराज में 48 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल का सेम सेंसर 15 एंड 15 प्लस में देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आपको अलग अलग GB वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे, उसमें स्क्रीन साइज़ का डिफरेंस ही रहता है, एंड प्रो मैक्स में भी लगभग सेम ही डिफरेंस रहता है आपको स्क्रीन साइज़ का ही। बट अगर बात करें इनकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर 15 सीरीज़ में ना जो यहाँ पर है ना रैम की अभी थोड़ा सा बताया गया, 2 8GB तक इसकी रैम जाएगी प्रो मॉडल्स की, तो नीचे वालों को अभी ज़्यादा बताया नहीं, तो मे बी 6GB हो सकती है। बट अगर बात करी जाए 15 की प्राइसेस की, तो यहाँ पर 128GB के साथ में 80,000 रुपये एंड 256GB के साथ में 90,000 रुपये, 10,000 का डिफरेंस रहने वाला है, और 512GB के साथ में 110,000, यहाँ पर 20,000 का डिफरेंस हो गया 512GB के साथ में और 256GB का। ऐसे ही आपको 15 प्लस की 10,000 रुपये प्राइस पर डालो 15 से, जैसे कि 128GB का
अपना 90,000 रुपये, 256 GB का 1 लाख एंड 512 GB का 1,20,000। ऐसे 15 प्रो की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको 135 से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है 128 GB का। सीरियसली यार 128 GB, 135, ओह माय गॉड, 128 GB के लिए 135,000 कौन देगा भाई, लोग पगला गए हैं, लोग लेंगे। ऐसे अगर बात कर ले 256 GB, 145 एंड 1 TB का 1,85,000 ये हैं। ऐसे अगर 15 प्रो मैक्स की बात कर ली जाए, उसके अंदर एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को, 256 GB का डायरेक्ट मॉडल देखने को मिल रहा है जो कि प्राइस स्टार्ट होता है 1,60,000 से एंड सीधा 512 एंड 1 TB जो कि 1 TB वाला मॉडल है उसकी प्राइस जा रही है डायरेक्ट 2 लाख रुपये। अब मेरे को ये चीज़ मिली 1,35,000 का कोई अगर प्रो मॉडल भी लेता है तो उसको 128 GB ही मिलेगी। हाँ ठीक है, उसका कैमरा वगैरह इम्प्रूव किए गए हैं, थोड़ा सा और चीज़ें बहुत सारी इम्प्रूव की गई होंगी उसके अंदर, बट सीरियसली इतना मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कैमरा अपग्रेड किया होगा। ये जो अपग्रेड है यही मेन अपग्रेड है इसके अंदर, कैमरा में क्या ही अपग्रेड करने, पहले से ही बहुत अच्छा दे रहे हैं कैमरा तो। हाँ उनकी फ़ोटो क्वालिटी ठीक ठाक है, बट जो वीडियो क्वालिटी मिलती है आईफोन से वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है, काफ़ी तगड़े तगड़े कैमराज को भी टक्कर देती है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन लेने वाले हो और क्या आपको लग रहा है कि सीरियसली अपग्रेड हुआ है। देखो हुआ तो है बट प्राइसेस में भी तो अपग्रेड हुआ है। एट अपार्ट फ्रॉम डेट मेरे को वही लग रहा है 1,35,000 में 128 GB वो थोड़ा सा बहुत चुप रहा है भाई, दर्द कर रहा है यहाँ पे। हाँ बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लगे ये फ़ोन। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।